सब्सक्राइब करें न्यू कृति बुटीक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्लाजो का एक बहुत सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूँ जो कि हम चिकन फैब्रिक के ऊपर तैयार करेंगे। यहाँ पे दोस्तों, जो आपने देखा होगा लीलन कपड़े आते हैं, नीचे की साइड चिकन वर्क होता है और ऊपर हल्की हल्की चिकन वाली इस तरीके की बुटियाँ होती है। तो इसको हम किस तरीके से कटिंग करें और किस तरीके से इसको डेकोरेट करते हैं, बहुत सुंदर सा स्टाइलिश आज प्लाजो बना के आपको दिखाएंगे। आज की इस वीडियो में आप ये जान पाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कपड़ा ये पहले से ही सेट किया हुआ है इस तरीके से चार फोल्ड लगाते हुए। इसका मैं बताऊंगा आपको चार फोल्ड कैसे लगाते हैं, ये भी बताऊंगा, नाप के बारे में बताऊंगा, उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इस कपड़े को हम अच्छे से इस तरीके से सेट कर लेते हैं इस प्रकार से। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ पे ये फ्रंट बेल्ट होगा और बैक में इलास्टिक होगी और फ्रंट में प्लेटें आएंगी और बैक में चुन्नटें आएंगी। इस तरीके का यहाँ पे हम ये प्लाजो तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें नाप जानना होता है, तो यहाँ पे मैंने नाप लिखा हुआ है इस प्रकार से। जैसे हमारी जो लेंथ है 38 इंच है तैयार, हिप का नाप है हमारा 48 और वेस्ट है हमारी 36। फ्रंट में जो फ्रंट में बेल्ट आएगी वो आएगी 18 इंच की और जो बैक में इलास्टिक आएगी वो आएगी हमारी, ये आएगी 15.5 इंच की इलास्टिक। क्योंकि जितना वेस्ट का नाप होता है, फ्रंट में आपने हाफ बेल्ट डाल लेनी है और उसके बाद 2.5 से 3 इंच कम करते हुए हाफ हिस्से में से, इस जैसे 18 है, 18 में से 2.5 से 3 इंच कम करना है और इलास्टिक डाल लेनी है, तो 15.5 इंच की इलास्टिक आएगी। इस तरीके से नाप निकाला जाता है बेल्ट का और इलास्टिक का। अब बात आ जाती है फोल्ड की, कि हमें इस कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करना है। सबसे पहले हमें मेजर करना होता है कि हमारे पास ये फैब्रिक कितना है। तो जो हमारे पास ये कपड़ा है हमारे पास 3 मीटर का ये पूरा पीस है हमारे पास चिकन वर्क वाला। तो इसको हम जो फोल्ड करते हैं, ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये आड़ा पीस बनता है। नीचे की साइड ये हमारा वर्क रहता है और ऊपर की साइड जो बुट्टी होती है, इस प्रकार से बुट्टियां आती है। यहाँ पे दोस्तों, मैंने ये पेपर इस प्रकार से फोल्ड किया हुआ है। जैसे सपोज करो ये हमारा कपड़ा है पूरा चिकन वर्क वाला, नीचे की साइड ये यहाँ पे हो गया चिकन वर्क, ऐसे ये ऊपर बुट्टियां हो गई हैं, इस तरीके से बुट्टी है और नीचे हमारे पूरा चिकन का कट वर्क के साथ इस तरीके से वर्क है। ये आप ध्यान दें इस चीज का, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। अब हमने कपड़ा जो हमारे पास ये 3 मीटर है, इसको सबसे पहले इस प्रकार से फोल्ड करना है, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करना है। अब दोबारा से हम यहाँ पे इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो कहने का मतलब है, जो हमारा एक ओपन हिस्सा आएगा यहाँ पे आएगा इस साइड में, और जो दोनों बंद हिस्से आएंगे यहाँ पे इस साइड में आएंगे। इस साइड का बंद वाला एक हिस्से को हम ऐसे कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हमारे दोनों पीस यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाते हैं ऐसे, और ये वाला यहाँ पे बंद रहेगा इस प्रकार से, जैसे आप देख पा रहे हो ऐसे। तो यहाँ पे हमें जो कटिंग करनी है, आसान यहाँ पे कटिंग करना है। इस तरीके से हमें यहाँ पे आसान कटिंग करना है और फ्रंट में हमें प्लेटें डालनी है और बैक में इलास्टिक डालनी है। यहाँ पे दोस्तों, मैंने आपको एक आइडिया दिया है आसन कटिंग करने का। इस साइड हमारा आसन कटिंग होगा, तो ये हमारा इस तरीके का जो हमने फोल्ड लगाया था, ऐसे हमारा दोनों पीस आएंगे यहाँ पे इस प्रकार से। अब मैं आपको बता दूं, हमें लेंथ किस हिसाब से कटिंग करनी है। जो हम लंबाई कटिंग करेंगे, जितनी हमारी लेंथ होती है, जैसे 38 इंच लेंथ है हमारी, तो इसमें हम 37 कटिंग करेंगे तैयार। जो हमारे पास ये फैब्रिक है जो हमने सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे हम 37 पे निशान लगा लेते हैं। इस साइड में भी 37 पे निशान लगाएंगे ऐसे। इन निशानों को एक दूसरे से इस प्रकार से हम जोड़ लेते हैं और यहां पे सीधी कटिंग कर लेंगे।
इस प्रकार से हमने ये कटिंग कर लिया है। जो बचा हुआ कपड़ा है ये हमारी बेल्ट में काम आएगा, जो हमें बेल्ट और इलास्टिक डालनी है उसमें हम ये कपड़ा यूज करेंगे। अब बात आ जाती है आसन की। आसन जैसे मैंने बताया था इस साइड से लेना है, तो हमें आसन यहाँ पे इस साइड से लेना है। हम ऊपर की साइड यहाँ पे जैसे हमारा आधा इंच तो मार्जिन आता है इस प्रकार से, और ऊपर की साइड डेढ़ इंच का हम इलास्टिक डालते हैं, डेढ़ इंच चौड़ाई वाली, तकरीबन डेढ़ इंच हम ऊपर निकाल देते हैं इस निशान से। और यहां से जो हम आसन तैयार रखेंगे वो रखेंगे 15 इंच। साइज के अकॉर्डिंग कम से कम हमें 15 से साढ़े 15, 16 इंच तक भी हम आसन यहां पे रख सकते हैं। अब हम इस निशान को यहां पे सीधा कर लेते हैं इस तरीके से, यहां पे लेते हैं इस निशान से तकरीबन ढाई इंच ले लेते हैं ऐसे। ये ढाई इंच का मैंने सीधा करने के लिए निशान लगाया है। और अब लेंगे हम यहां से सवा दो और यहां पे गोलाई डालेंगे ऐसे, इस प्रकार से हम यहां पे गोलाई डालेंगे। अब हम इसी आसन के जो निशान लगाया है मैंने, इसी आसन के निशान पे हम कटिंग कर लेते हैं। और यहां से हम सीधी कटिंग करेंगे। इस प्रकार से हमने यहां पे ये आसन कटिंग कर लिया है, जैसे मैंने पैटर्न में दिखाया था सेम इसी तरीके से। अब हमें यहां पे सबसे पहले क्या करना है कि दोनों आसनों को ज्वाइंट करना है फ्रंट बैक के, जैसे ज्वाइंट किए जाते हैं। आसन ज्वाइंट करने का दोस्तों जो तरीका होता है, यहाँ पे इस प्रकार से हमने ऐसे इनको दोनों को ओपन कर लेना है, और जो सीधी साइड है हमारी ये वाली होनी चाहिए अंदर वाली, ये सीधी, और ऊपर की और नीचे की ये हमारी रॉन्ग साइड होगी। तो अब हमें क्या करना है आसन ज्वाइंट करने के लिए, यहाँ पे इस प्रकार से एक पैर का मार्जिन रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है इस साइड में भी और इस साइड में भी। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद मैं फैब्रिक को आपको बिछा के दिखाऊंगा किस तरीके की हमारी यहाँ पे सेब आती है। इस तरीके से दोस्तों हमने यहाँ पे ये आसन ज्वाइंट कर लिया है फ्रंट और बैक का, इस प्रकार से जैसे आप देख पा रहे हो, एक हमारा फ्रंट का होगा और दूसरा हमारा यहाँ पे ये बैक साइड का होगा। इस तरीके से ये आसन आएगा ऐसे। समझाने के लिए मैं आपको बार बार इस तरीके से दिखा रहा हूँ फ्रंट बैक का आसन, क्योंकि ज्वाइंट मैंने इसीलिए आपको यहाँ पे करके दिखाया है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। अब जैसे ये हमारा आसन हो जाता है तो हमें यहाँ पे बैक साइड में इलास्टिक डालनी है और फ्रंट में प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितनी हमें इलास्टिक डालनी है, जैसे साढ़े 15 से 16 इंच की हमें इलास्टिक डालनी है, तो हम यहाँ पे उसका डबल ले लेंगे, मतलब 32 इंच 16 इंच इधर और 16 इंच इस साइड में। ये हमने 32 इंच पे निशान लगाया जिसमें हमें इलास्टिक कवर करनी है हाफ हिस्से की, बाकी का जो हिस्सा होता है उसकी हमें प्लेट डालनी है 18 इंच में। तो हम ये हमारी बैक साइड हो गई, इस पे बैक साइड लिख लेते हैं, और ये हमारा फ्रंट हो गया। तो ये फ्रंट में हम यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए प्लेट डालनी स्टार्ट करेंगे। सभी जो प्लेट डालेंगे इस तरीके से डालेंगे इस साइड में, आप ऐसे भी डाल सकते हो आपकी इच्छा है, इस प्रकार से भी डाल सकते हैं, अगर आप अंदर को डालना चाहें तो अंदर को भी डाल सकते हैं। तो ये प्लेट हम इस तरीके से करेंगे और बाहर की साइड डालेंगे इस प्रकार। दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से हमने प्लेटें यहाँ पे फोल्ड कर ली हैं। फोल्ड करने का मैं आपको तरीका दूसरी साइड में बताऊंगा कैसे हम यहाँ पे फोल्ड करते हैं। और ये हमारा निशान आ जाता है फ्रंट के बाद, जो हमने बैक साइड में इलास्टिक डालनी है। यहाँ पे आपने जैसे निशान लगाया था, मैंने यहाँ पे ये बनाया था बैक साइड वाला पार्ट, तो यहाँ पे हमारा यहाँ से बैक साइड के लिए इलास्टिक डलेगी।
तो फ्रंट हमारा ये रहेगा और बैक हमारी आगे की साइड ये आ जाएगी। तो एक साइड का जो फ्रंट होता है ये हमने यहाँ पे प्लेटों से कवर कर लिया है इस पॉइंट तक। ये हमारा यहाँ पे आता है 8 इंच, पूरा 8 इंच आएगा क्योंकि हमें 16 इंच का फ्रंट में बेल्ट डालना है, तो इसलिए हमें 8 इंच यहाँ पे रखना है। अब हमें दूसरी साइड में यहाँ पे सेम इसी तरीके से प्लेटें कवर करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला जो हमने यहाँ पे 2 इंच का इस तरीके से निशान लगाना है इस प्रकार से, और यहाँ से जो हम प्लेट डालेंगे इस प्रकार की डालेंगे, यहाँ पे बड़ी प्लेट होगी थोड़ी इस तरीके की, प्रकार की यहाँ पे ये प्लेट हम डाल लेते हैं और प्रेस से अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये हमारी फ्रंट की दूसरी साइड की प्लेट डल चुकी है। अब हमें यहाँ पे 1 इंच का मार्क करना है इस प्रकार से, और उसके बाद 2 इंच का मार्क करना है ऐसे। तो 1 इंच के मार्क को इस तरीके से उठाना है और यहाँ पे जो 2 इंच वाला है यहां से हमें फोल्ड लगाना है ऐसे। इस तरीके से सेट करते हुए हम यहां पे प्लेटें सेट करेंगे। तो 2 इंच का जो हमारा अंदर की साइड फोल्ड लग चुका है, इसको हम प्रेस से अच्छे से यहां पे सेट कर लेते हैं इस प्रकार से। अब फिर से हमें यहां पे 1 इंच का मार्क करना है और फिर 2 इंच का, तो यहां से भी इस प्रकार से उठाते हुए हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेते हैं, इस निशान तक फोल्ड लगाते हैं, तो यहां पे भी हमारा ऐसे आ जाएगा फ्रंट। प्रेस से हम अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं। इसी प्रकार जितनी हमने इधर प्लेट डाली हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे हमने अभी तक 3 प्लेटें डाली हैं, 7 प्लेट इधर भी, बाकी की 4 प्लेट जो हैं वो भी इसी तरीके से हम यहाँ पे फोल्ड लगाते हुए कवर कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से हमने प्लेटें डाल ली हैं सभी। ये हमारा फ्रंट रहेगा और ये हमारी बैक साइड रहेगी। बैक साइड प्लेन आएगी, इसमें बारीक चुन्नटें आएंगी इस प्रकार से, जैसे इलास्टिक डलती है नॉर्मल उस तरीके से यहाँ पे चुन्नटें आ जाती हैं। अब हमें दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, फ्रंट में जैसे बेल्ट डालनी है, तो फ्रंट पहले मैं पूरा पीस आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार का ये हमारा पीस आएगा यहाँ पे ऐसे। अब हम यहाँ पे फ्रंट में बेल्ट डालेंगे। अब दोस्तों हमें जैसे फ्रंट में बेल्ट लगानी है और बैक में इलास्टिक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पट्टी कटिंग करेंगे, जो कि ये मैंने पट्टी ली हुई है इस लेंथ के अकॉर्डिंग, जितनी हमारी यहाँ पे लेंथ है ये, इसके हिसाब से यहाँ पे पट्टी कटिंग कर लेते हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा ही हो तो ज़्यादा सही रहेगी इस प्रकार से, इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे इसकी चौड़ाई लेते हैं। चौड़ाई लेंगे तकरीबन 4 इंच की, कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी 4 इंच की पट्टी कटिंग हो चुकी है, जो कि हमें ऊपर की साइड अटैच करनी है यहां पे। इसमें हमें बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट लगाने के लिए हम यहां पे सेंटर पॉइंट बना लेते हैं ऐसे, और इस सेंटर पॉइंट में यहाँ पे हम बुकरम लेंगे। ये हमने बुकरम की जो पट्टी ली है इसकी जो लंबाई है तकरीबन हमारी 18 इंच की है, और यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई ली है हमने, ये चौड़ाई है हमारी 1.5 इंच की। तो इसको सेंटर पॉइंट में यहाँ पे इस तरीके से सेंटर पॉइंट बनाते हुए यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। इस तरीके से यहाँ पे अच्छे से इसको पेस्ट कर लेंगे।
और यहाँ पे सेंटर पॉइंट में ही ये ज्वाइंट होती है हमारी इस तरीके से यहाँ पे। अब हमें दोस्तों इसको अच्छे से पेस्ट करने के बाद इसी पॉइंट पे लास्टिक ज्वाइंट करनी है और ये मैं आपको मशीन के ऊपर स्टिच करके दिखाऊंगा किस तरीके से हमें यहाँ पे स्टिचिंग करनी है लास्टिक और बेल्ट लगाते हुए। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे बेल्ट अटैच करनी है, तो बेल्ट अटैच करने के लिए यहाँ पे जहाँ तक हमारी बेल्ट होती है ये पॉइंट है इस तरीके से और ये हमारा सेंटर पॉइंट है और दूसरी साइड ये वाली है, तो यहाँ पे हम एक साइड में इलास्टिक अटैच कर लेंगे जो कि मैंने बताई थी आपको 15 से 16 इंच की। तो यहाँ पे ये हमारे पास 16 इंच की इलास्टिक है, 16 इंच की इलास्टिक को हम एक साइड कोई भी साइड यहाँ पे इस तरीके से सेंटर पॉइंट में अटैच करते हैं इस तरीके से। जो बेल्ट है हमारी 1.5 इंच की उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में यहाँ पे इस तरीके से हम अटैच कर लेते हैं। अब हम धागे की कटिंग करेंगे। अब हमें यहाँ पे फ्रंट रखना है ऊपर की साइड, यहाँ पे सीधी साइड रखेंगे ऊपर की साइड फ्रंट को इस तरीके से और यहाँ पे सेंटर पॉइंट बना लेते हैं जो हमारे पास बेल्ट है इसका, ये हम आसन से यहाँ पे मैच करेंगे इस तरीके से जो आसन है और यहाँ पे सबसे पहले हम इस तरीके से मिलाते हुए जहाँ तक हमारी बेल्ट है वहाँ से हम सिलाई की शुरुआत करते हैं। मार्जिन आपने बिल्कुल बराबर लेना है, ज़्यादा कम नहीं लेना है और यहाँ पे इस तरीके से बेल्ट अटैच करना है। यहाँ तक हमारी बेल्ट आ जाती है इस प्रकार से, लेकिन सिलाई हमने बिल्कुल बराबर मार्जिन रखते हुए आगे तक लगानी है। जो हमारा बैक साइड वाला ये आता है आसन, इस पॉइंट तक हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं। थोड़ा 1/2 इंच पहले ही हम सिलाई को इस तरीके से कट कर लेंगे ताकि हम दूसरी साइड का जो पीस आएगा हमारा उसमें भी आसानी से जोड़ लगा पाए। अब एक साइड में हमने जैसे पूरी सिलाई लगा ली है यहाँ पे, तो बेल्ट हमारी यहाँ पे आपको इस तरीके से नजर आएगी ऐसे। अब हमें दूसरी साइड में भी ये सिलाई कंप्लीट करनी है मार्जिन बराबर रखते हुए, तो यहाँ से हम इस साइड से लगा लेंगे क्योंकि इसमें कोई प्लेट वगैरह नहीं है, आप पट्टी नीचे की साइड भी रख सकते हैं वो आपकी इच्छा है। यहाँ पे भी हम जो आसन आएगा आसन से 1/2 इंच पहले ही सिलाई को रोक लेते हैं। अब हमें यहाँ पे ज्वाइंट लगाना है दोनों पट्टियों में, जैसे दोनों साइड की पट्टी आ चुकी है तो यहाँ पे हम इस तरीके से ज्वाइंट लगाएंगे जहां तक हमारा ये आसन आता है, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं ऐसे दूसरे पीस का भी दूसरी साइड का भी। अब इन्हें दोनों को आपस में ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं।
एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देते हैं और इनको आपस में यहाँ पे चीर लेंगे जब हम सिलाई लगाएंगे। ये दोबारा से हम सिलाई अब कंप्लीट करते हैं इस प्रकार से चीरते हुए, क्योंकि इस पट्टी में हमने यहाँ पे ज्वाइंट लगा लिया है सेंटर पॉइंट में। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ज्वाइंट लगाते हुए फ्रंट में बेल्ट अटैच कर ली है। लास्टिक हम जब यहाँ पे फोल्ड लगाएंगे तो लास्टिक भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अटैच हो जाएगी। जैसे दोस्तों अब हमने एक साइड में तो यहाँ पे लास्टिक अटैच कर लिया है, लेकिन दूसरी साइड अभी नहीं की है, तो दूसरी साइड में भी हम सेम इसी तरीके से यहाँ पे लास्टिक को अटैच कर लेते हैं इस प्रकार से। बेल्ट के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे भी ये इलास्टिक हमने अटैच कर ली है। अब हमारी फ्रंट में यहाँ पे ये बेल्ट आ जाती है और बैक में इलास्टिक आ जाती है, और इलास्टिक जब हम खींचेंगे तो यहाँ पे बैक साइड में चुन्नटे आ जाएंगी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे फ्रंट तैयार करना है। बैक साइड को अभी आपने नहीं छेड़ना है, तो फ्रंट तैयार करना है। तो फ्रंट तैयार करने के लिए मार्जिन हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पे ऐसे सिलाई लगाएंगे इस तरीके से सफाई के साथ में, और सिलाई ये हमारी ऊपर से बेल्ट के ऊपर आनी चाहिए इस प्रकार से। यहां से हम सिलाई को ऐसे घुमाएंगे और पूरा मार्जिन इस तरीके से फोल्ड करते हुए अंदर की साइड ऊपर से ये हमारा कपड़ा आ जाता है दूसरी साइड का, और यहाँ पे हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे ऐसे। नीचे के मार्जिन का आपने ध्यान रखना है, प्लेटें क्या होती है कई बार अच्छे से सेट नहीं बैठती, तो प्लेटों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। कई बार ये जो मार्जिन होता है यहाँ का बाहर निकल जाता है, तो इसलिए आपने यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से इस तरीके से प्लेटें अंदर डालते हुए सिलाई लगानी है ऊपर से यहाँ पे सफाई के साथ में। जब हम लास्टिक के पास आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें सिलाई को सीधे लगाना है, लेकिन लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए इस तरीके से यहाँ पे, और जितनी चौड़ाई वाली हमारी बेल्ट है यहाँ पे आगे की साइड, इतना ही हमारी बैक साइड वाली साइड रहनी चाहिए इस तरीके से। अब हम प्लास्टिक के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं, तरीका सेम होगा जैसे हमने बेल्ट में लगाया है सेम उसी तरीके से। लास्टिक आगे की साइड हमारी छोटी पड़ जाएगी, तो हम पीछे से लास्टिक को इस तरीके से खींच लेंगे।
यहाँ पे इस तरीके से हम बिल्कुल सफाई के साथ में, कहीं पे भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए। जहां से हमने सिलाई शुरू की थी उसी पॉइंट पे हम घूमते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगाते हुए उसी पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे एक साइड में हमारी यहाँ पे ही आ जाएंगी बैक साइड में प्लास्टिक, इसको हम खींच के बराबर कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये काफी वेट वाला कपड़ा है, क्योंकि लीलन है थोड़ा हैवी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको बहुत ही बारीकी से समझाया है। फ्रंट में हमारी यहाँ पे बेल्ट आ जाएगी इस प्रकार से, ऐसे प्लेटों के साथ में बहुत प्यारी सी यहाँ पे ये सेव आई है इस प्रकार से, जैसे आप देख पा रहे हो। अब हमें बैक साइड में यहाँ पे लास्टिक के ऊपर सिलाई लगानी है, तो सिलाई हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट में लगाएंगे, या आप डबल सिलाई भी लगा सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। यहां से हम इस तरीके से खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल बराबर बराबर चुन्नट टाइप प्लास्टिक में आ जाती है। से हमने बैक साइड की लास्टिक यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और फ्रंट की बेल्ट भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पे मोरी की आसन वाली ये जो सिलाई होती है ये लगानी है। इस सिलाई को लगाने के लिए बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, आपने उल्टी साइड रखनी है और यहाँ पे दोनों पोंचे इस तरीके से ज्वाइंट कर लेते हैं एक एक मोरी करके। यहाँ पे घेर भी आप देख पा रहे होंगे, घेर भी हमारा बहुत खुला तैयार हो जाता है प्लाजो का। चिकन प्लाजो बनाने के लिए खुले वाला ये सबसे आसान तरीका है और बहुत अच्छी यहाँ पे सेव आएगी। तो यहाँ पे हम ये साइड वाली सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से दोस्तों मोरी से स्टार्ट करेंगे सिलाई को। इसी तरीके से दोस्तों हमने एक मोरी में आसन तक यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे सिलाई को खत्म कर देते हैं और जो दूसरी सिलाई लगाएंगे तो दूसरी साइड में लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे भी हम मोरी वाली पॉइंट से शुरुआत करते हैं और यहाँ पे आसन तक ये भी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं आपको ये पूरा प्लाजो तैयार करने के बाद दिखाऊंगा। इस प्रकार तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो हमने फुल प्लेट वाला यहाँ पे फ्रंट में प्लेट और बैक साइड में लास्टिक इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और जो ये प्लाजो होता है इसकी जो सेव आती है बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे इसकी सेव आएगी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और ये कंफर्टेबल होता है बिल्कुल भी, इसमें कोई भी यहाँ पे ऐसे नहीं कि आपको बैठने उठने में चलने में कोई दिक्कत आएगी, पूरा खुला यहाँ पे ये प्लाजो इस तरीके से होता है और लास्टिक भी यहाँ पे ये फुल आती है। इस प्रकार से लास्टिक कंफर्टेबल रहेगी और इसको आप 2 इंच कमर ज़्यादा या कम जैसे भी कर सकते हो उस तरीके से कर सकते हो। और यहाँ पे जो हमने प्लेटें डाली हैं ये हमने 3 मीटर में बनाया है, अगर आपने 2.5 मीटर में बनाना हो तो यहाँ पे प्लेटें हल्की हल्की कम हो जाएंगी, 2.5 मीटर में भी ये प्लाजो आराम से तैयार हो पाएगा। लेकिन कम से कम हमें 2.5 मीटर चाहिए, 2.5 मीटर से अगर आपको कम यहाँ पे कपड़ा लगाना है तो फिर ये इसकी फिटिंग या सेव ऐसी नहीं आ पाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज आपको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से
प्लेट वाला प्लाजो बना करके दिखाया है, कटिंग और स्टिचिंग दोनों है। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।